मनोज वाजपेयी स्टारर स्पाई थ्रिलर द फैमिली मैन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है। इस सीरीज में मनोज वाजपेयी के श्रीकांत तिवारी के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस वेब शो के दो सीजन जबरदस्त हिट रहे। वैसे राज और डीके की डायरेक्शनल द फैमिली मैन को लेकर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये वेब सीरीज एक कल्ट क्लासिक बन जाएगी। वही अब फैंस इस सीरीज की तीसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि द फैमिली मैन का तीसरा सीजन कब रिलीज होगा। वेल दोस्तों, कहा जा रहा है कि द फैमिली मैन सीजन 3 का प्रीमियर इस साल की एंडिंग तक हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणों के चलते बताया जा रहा है कि शूटिंग रुकी हुई है। वहीं अब द फैमिली मैन 3 की OTT रिलीज को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, द फैमिली मैन 3 के लिए प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है। दर्शकों को नए सीजन में ज़्यादा रोमांच और ड्रामा के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। हालांकि शो शुरू होने के लिए तैयार नहीं है। सीरीज के तीसरे सीजन के तैयार होने में कुछ महीने लगेंगे। निर्माता सही समय पर द फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक इंतजार करें और प्राइम वीडियो पर पहले दो सीजन देखें। द फैमिली मैन सीजन 3 में मनोज वाजपेयी, प्रिया मणि और शारी भाषमी नजर आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार शरद किलकर द फैमिली मैन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की बात करें तो द लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी ने कहा था कि सीजन 3 की शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में की जाएगी और इस बार मुद्दा भी नॉर्थ ईस्ट पर होगा। उन्होंने बताया था कि तीसरा सीजन वहीं से शुरू होगा जहां पर दूसरा सीजन खत्म हुआ था। मनोज ने कहा था कि मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि द फैमिली मैन की तीसरी किस्त और भी ज़्यादा बड़ी होगी। इसमें श्रीकांत तिवारी अब और ज़्यादा चुनौतियों का सामना करता नजर आएगा। मनोज वाजपेयी ने वादा किया था कि जब हम सीजन 3 के साथ वापस लौटेंगे तो इसमें सरप्राइज फैक्टर और भी ज़्यादा होगा।